नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम ऐसा क्यों में, और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। हमारे यहाँ हर चीज का अपना एक अलग महत्व है। हम हर काम करते तो हैं, पर उसके पीछे का महत्व जानना भूल जाते हैं या जानने की कोशिश नहीं करते। अब हमारी भारतीय संस्कृति को ही ले लीजिए, जिसमें अनेकों ऐसी बातें हैं जिनके अंदर धार्मिक कारणों के साथ साथ वैज्ञानिक कारण भी छिपे हुए हैं। आपको इन्हीं सब जानकारियों से अवगत कराने के लिए हम लेकर आए हैं ये खास कार्यक्रम, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे हाथ में बंधने वाली मौली यानी कलावे को लेकर। क्या आप लोग जानते हैं कि मौली क्यों बांधी जाती है, ये कलावा क्यों बांधा जाता है, इसके पीछे क्या है महत्व? नहीं, आइए आपको बताते हैं। हिंदू धर्म में कई रीति रिवाज तथा मान्यताएं हैं। इन रीति रिवाजों तथा मान्यताओं का सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक पक्ष भी है, जो वर्तमान समय में भी एकदम सटीक बैठता है। हिंदू धर्म में प्रत्येक धार्मिक कर्म यानी पूजा पाठ, यज्ञ, हवन आदि से पहले ब्राह्मण द्वारा यजमान के दाएं हाथ में कलावा यानी मौली बांधी जाती है। मौली का शाब्दिक अर्थ है सबसे ऊपर। मौली का तात्पर्य सिर से भी है। मौली कच्चे धागे अर्थात सूत से बनाई जाती है। वैदिक परंपरा में मौली यानी कलावा बांधने का प्रचलन युगों से चला रहा है। कलावा को रक्षा सूत्र कहते हैं, जो पूजा के समय पुरोहित द्वारा यजमान के हाथ में मंत्र पढ़कर बांधा जाता है। इसका वैदिक नाम उपमणिबंध भी है। हाथ के मूल में तीन रेखाएं होती हैं, जिनको मणिबंध कहते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रहे कि इस सूत्र को केवल तीन बार ही लपेटना चाहिए व इसके बांधने में वैदिक विधि का प्रयोग करना चाहिए। वैज्ञानिक कारणों पर बात करने से पहले आइए बात करते हैं इसके कुछ धार्मिक पहलुओं पर। यज्ञ के दौरान इसे बांधे जाने की परंपरा तो पहले से ही रही है, लेकिन इसको संकल्प सूत्र के साथ ही रक्षा सूत्र के रूप में तब से बांधा जाने लगा जब से असुरों के दानवीर राजा बलि की अमरता के लिए भगवान वामन ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। शास्त्रों के अनुसार कलावा यानी मौली बांधने की परंपरा की शुरुआत देवी लक्ष्मी और राजा बलि ने की थी। माना जाता है कि कलाई पर इसे बांधने से जीवन पर आने वाले संकट से रक्षा होती है। इसका कारण ये है कि कलावा बांधने से ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव की कृपा प्राप्त होती है। अब आपको बताते हैं मौली यानी रक्षा सूत्र के विषय में विज्ञान क्या कहता है। शरीर की संरचना का प्रमुख नियंत्रण हाथ की कलाई में होता है, अतः यहाँ मौली बांधने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, उसकी ऊर्जा का ज्यादा क्षय नहीं होता है। विज्ञान के अनुसार शरीर के कई प्रमुख अंगों तक पहुंचने वाली नसें कलाई से होकर गुजरती हैं। कलाई पर कलावा बांधने से इन नसों की क्रिया नियंत्रित रहती है। इससे त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ का सामंजस्य बना रहता है। माना जाता है कि कलावा बांधने से रक्तचाप, हृदय रोग और मधुमेह और लकवा जैसे गंभीर रोगों से काफी हद तक बचाव होता है। शास्त्रों के अनुसार पुरुषों और अविवाहित कन्याओं को दाएं हाथ में कलावा बांधना चाहिए, जबकि विवाहित स्त्रियों के लिए बाएं हाथ में कलावा बांधने का नियम है। पर्व व त्योहार के अलावा किसी अन्य दिन कलावा बांधने के लिए मंगलवार और शनिवार का दिन शुभ माना जाता है। तो सुना आपने, ये मौली सिर्फ एक लाल या पीले रंग का धागा नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है और साथ ही है वैज्ञानिक कारण भी। आज के लिए इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और धार्मिक और वैज्ञानिक तथ्यों के साथ। लेकिन अगर आपके मन में भी है कोई सवाल, कुछ आप जानना चाहते हैं, तो आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं info@sanskargroup.in पर। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।